मध्य प्रदेश के मालवा के बारे में कहा जाता है कि मालव माटी गहन गंभीर पग पग रोटी डग डग नीर। कृषि उत्पादों के लिए मालवा की भूमि पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ पैदा होने वाली हर फसल स्वाद और गुणवत्ता के कारण सबको भाती है। पूरे देश में मालवा के गेहूं सर्वाधिक खाए जाते हैं। बीते कुछ वर्षों से अन्य फसलें भी मालवा में होने लगी हैं, जिनका स्वाद देश ही नहीं विदेशों में भी लोगों को लुभा रहा है। मसाले के रूप में प्रयोग होने वाली लहसुन उन्हीं में से एक है, जो पहले बहुत ही सीमित मात्रा में बोई जाती थी, लेकिन अब अपने स्वाद के कारण मालवा की लहसुन की मांग बढ़ने से इसका रकबा भी बढ़ रहा है। पिछले साल जहां 16,000 बीघा में लहसुन बोई गई थी, वहीं इस बार 26,000 बीघा में इसकी बुआई हुई है तथा अभी भी चल ही रही है। मालवांचल में सर्वाधिक लहसुन मंदसौर और नीमच जिले में बोई जाती है। रतलाम के भी कुछ हिस्सों में किसानों का रुझान इसके प्रति हुआ है। देखते ही देखते दो दशक में इसकी खेती धार जिला पार कर निमाड़ अंचल तक पहुंची है। गौरतलब है कि गत वर्ष लहसुन की बुआई के लिए किसानों को बीज के तौर पर लहसुन की खरीदी करीब 10,000 क्विंटल के आसपास बैठी थी, जबकि इस वर्ष उसी बीज की कीमत करीब 1500 रुपये क्विंटल के आसपास हो गई है। इसके चलते सीमांत किसानों ने लहसुन की ओर रुख करते हुए बुआई कर दी है। लहसुन प्याज के व्यापारी बताते हैं कि इस वर्ष जिस अनुपात में लहसुन के भाव बढ़ने चाहिए थे वैसे नहीं बढ़े हैं। हालांकि लहसुन की मांग आगे भी नहीं होने से उसके भाव कमजोर हैं। मांग बेहतर रहती है तो भाव भी अच्छे रहते हैं। इसके बावजूद किसान लहसुन की बुआई इस उम्मीद में कर रहे हैं कि आने वाले समय में इसके बेहतर भाव मिल सकेंगे। वहीं लहसुन उत्पादक किसानों को फसल का भाव ना मिलने से इस साल तगड़ा झटका लग रहा है। देवरी क्षेत्र सागर जिले का सबसे बड़ा लहसुन उत्पादक क्षेत्र है, जहां व्यापक पैमाने पर किसान लहसुन की पैदावार करते हैं। लहसुन की फसल में यहां के किसानों की तकदीर और तस्वीर बदल कर रख दी है, लेकिन इस बार अधिक उत्पादन के कारण उनकी फसल को वाजिब दाम नहीं मिल पा रहे हैं। हर साल इस सीजन में लहसुन के भाव 100 रुपये से अधिक पहुँच जाते हैं, लेकिन इस साल लहसुन के भाव तेजी से गिर रहे हैं। आढ़तियों के यहाँ भी लहसुन की खरीदी कम रही। अच्छी क्वालिटी का लहसुन भी अधिकतम 50 रुपये तक ऊंचे में बिका। वहीं लहसुन की राटन 10 रुपये व मीडियम 30 रुपये प्रति किलोग्राम तक बिका। भाव ना मिलने से कई किसान अपना लहसुन वापस भी ले गए। बाहर से डिमांड ना होने से ये भाव गिर रहे हैं। देवरी क्षेत्र के लहसुन मध्य प्रदेश के जबलपुर, दमोह, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर जिलों में जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र के नागपुर में इसकी बहुत सप्लाई होती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, हैदराबाद, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भी हजारों टन लहसुन विक्रय के लिए भेजा जाता है। इन दिनों इन राज्यों से लहसुन की मांग नहीं रहती है, क्योंकि इन दिनों इन राज्यों में ऊँटी का लहसुन का विक्रय होता है। नए लहसुन की आवक पर इन राज्यों में यहाँ के लहसुन की मांग निकलती है। देवरी में अभी बाहर से किसी भी तरह की लहसुन की डिमांड नहीं आई है, इससे कारोबार सिमट गया है। अन्य राज्यों से भी अभी मांग नहीं आ रही है। यदि बाहर के प्रदेश में मांग आती भी है तो वहां ऊटी से लहसुन पहुंच रही है। देवरी के साथ ऊटी में भी लहसुन के दाम गिरे हैं। दाम गिरने से किसानों में निराशा का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स।